तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेजी पे की कुछ सच्चाई बताऊंगा, ठीक है, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगी है। और दूसरी बात, मैं लेजी पे की एक मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, जो है वेट लिस्ट। ठीक है, बहुत से बंदे क्या करते हैं कि लेजी पे का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और उनका जो एप्लीकेशन है वो वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। सो भाई, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा और मैं लेजी पे की एक बहुत ही बेकार की जो जानकारी है वो भी बताऊंगा, ठीक है, जो कि मुझे सबसे बेकार लगा है। ठीक, अब क्या है दोस्तों वो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और जो प्रॉब्लम मुझे हुई है, अगर वही प्रॉब्लम आपको भी हुई हो तो भाई वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेजी पे की तरफ जो है हमारे कंप्लेंट जाएंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हमारी टीम कितना बेकार का काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो गाइस, यहां पर मैं आ चुका हूं लेजी पे के एप्लीकेशन के पास में, ठीक है, और यहां पर आपको लेजी पे एप्लीकेशन दिख रहा है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहां पर जो है मुझे भी वेट लिस्ट में डाला गया है। ठीक, यहाँ पर लिखा है यू आर नो आवर वेट लिस्ट। ठीक, यानी कि हम जो है यहाँ पर वेट लिस्ट में है। ठीक है, चलिए मान लिया कि वेट लिस्ट में। अब सबसे बुरी बात मुझे क्या लगी है, मैं आपको वही बता देता हूँ कि वो कल की डेट में मैंने जो है इस अकाउंट को ओपन किया था। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि ये अकाउंट बहुत ही मेरा ओल्ड है, यानी कि काफ़ी दिन पुराना है, और काफ़ी दिन पुराना अकाउंट होने के बाद मैंने इस अकाउंट को कल की डेट में ओपन किया था। और ओपन करने के बाद जब मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर जो है क्रेडिट ऑफर दे दिया गया था कि आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एफडी बेसिक पे। ठीक है, याद रहे एफडी बेसिक पे। और यहाँ पर दोस्तों 10,000 की एफडी करने पे मुझे 10,000 की ही क्रेडिट लिमिट मिल रही थी, जो कि हम इसको ले सकते थे, और कल की डेट में जो है बाय का भी ऑप्शन आ रहा था। चलिए, हमने सोचा कि एक थंबनेल बना ले और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को इस पर जो है वीडियो बनाएंगे और लाइव प्रूफ के साथ इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आज की डेट में मैं देख पा रहा हूँ कि लेजी पी वालों ने मेरा अकाउंट फिर से ब्लॉक कर दिया, यानी कि मुझे फिर से वेट लिस्ट में डाल दिया। यार ऐसा क्यों, एक बार वेट लिस्ट से बाहर आने के बाद मुझे वापस से वेट लिस्ट में क्यों डाला गया, इसका मुझे फंडा समझ में नहीं आया। ठीक है, और दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, कसम से यहाँ पर कल की डेट में मुझे यहाँ पर सब कुछ अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आया था, लेकिन उसके बाद फिर से वेट लिस्ट में डाल दिया गया है मुझे। आखिर क्यों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम इसका कार्ड नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये वेट लिस्ट में डाल देगी हमको, ये गलत बात है। लेजी पे का यही मुझे सबसे गलत रूल लगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर जिनको डायरेक्टली जैसे एप्लीकेशन उसने सबमिट किया और डायरेक्टली ये वाला प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या करते। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेट लिस्ट जब आपको आ जाए ना तो आपको 1 से 2 महीना वेट कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं वेट करने पे ये सॉल्यूशन होता है तो आपको जो है देखना है पहले तो कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये किस एरिए में अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि कुछ ही सिलेक्टेड एरिए में ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, अगर आप अलग सिटी या अलग एरिए से होंगे तो ये आपको वेट लिस्ट में ही डाल कर रखेगी। ठीक है, लेकिन वेट लिस्ट का जो रीज़न है वो पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्यों वेट लिस्ट में मुझे रखा गया है। इसके लिए लेजी पे की टीम को आपको मेल लिखना पड़ेगा। तो मेल लिखने के लिए दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कैसे मेल लिखा जाता है, क्योंकि मैंने भी आज मेल लिखा है लेजी पे टीम को। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है ईमेल पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जीमेल एप्लीकेशन अपना ओपन करूँगा जी वाला, और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, और सॉरी यार चलिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम लेजी पी की टीम को मेल लिखेंगे। ठीक है, तो लेजी पी की जो ऑफिशियल जीमेल आईडी है वो कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो यहाँ पर आपको डालना है vcare@legipay.in। ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है लेजी पे क्रेडिट कार्ड वेट लिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड रिक्वेस्ट, यानी कि हम लेजी पे का जो क्रेडिट कार्ड है वो वेट लिस्ट में बता रहा है तो हम इसका जो समाधान लेना चाहते हैं। नीचे आपको लिखना है डियर लेजी पे टीम, दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यह कार्ड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मी बट सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा बट आई एम ओपन लेजी पे एप सो आई एम वेट लिस्ट सी प्लीज
प्लीज दिस प्रॉब्लम सॉल्व इमीडिएटली थैंक्स लेजी पे टीम। ठीक है, आपको दोस्तों इसको क्या करना है, लेजी पे की टीम को जो है सेंड कर देना है। कुछ टाइम बाद लेजी पे की तरफ से जो है मेल आ जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, मेल आ जाएगा। थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ पर मेल आएगा लेजी पे की तरफ से। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमने इनको मेल लिखा, मेल लिखने के बाद देखो लेजी पे की तरफ से जो है मेल आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि थैंक यू कनेक्टिंग लेजी पे, प्लीज नोट डेट योर क्वेरी हैज बीन एसेस्ड टू ऑन ऑफ सपोर्ट टीम मेंबर्स एंड योर वुड गेट ए अपडेट बिटवीन द नेक्स्ट 24 आवर्स। द टिकट नंबर ये रहा। तो दोस्तों ये बता रहे कि आपकी जो भी जानकारी है हमने किसी एक मेंबर को सेंड कर दी है और 24 घंटे के बाद आपको अपडेट मिलेगा, आपका टिकट नंबर ये रहा। ठीक है, सो गाइस जब आप जी मेल लिखेंगे तो हो सकता है आपको कॉल भी आ जाए या फिर आपको मेल पे सूचित कर दिया जाए कि आपका वेट लिस्ट प्रॉब्लम हटा दिया गया है। दोस्तों ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन का काम है और यहाँ से आपका जो वेट लिस्ट है वो प्रॉब्लम हट जाएगी। और दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।